क्या गोजो की सच में डेथ हो चुकी है? क्योंकि जुजुत्सु कैसन के लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा कि भाई सुकुना ने गोजो को एकदम से मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया है। तो क्या अभी यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि गोजो का कमबैक होगा? तो देखो, सुकुना ने जब किरारा और उयुई को देखा था तब उसने बोला था कि अभी मुझे पता चल रहा है कि भाई गोजो की डेड बॉडी कहाँ गई है, क्योंकि भाई किरारा और उयुई ये दोनों बने थे जो कि भाई हिगुरुमा की बॉडी को टेलीपोर्ट करके लेके जा रहे थे। हाँ, इन दोनों में से एक के पास में टेलीपोर्टेशन की कर्स टेक्निक है, और अभी ये जैसे हिगुरुमा को शोको के पास में लेके जा रहे हैं वैसे इन लोग ने भाई गोजो को भी शोको के पास में लेके गए होंगे। अब यहाँ पर बात बनती है कि क्या शोको के पास में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो गोजो को फुली तरीके से हील कर सकती है? तो देखो, सुकुना ने इस वाले चैप्टर के अंदर बोला था कि भाई भले ही शोको भाई अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके दूसरों को भी हील कर सकती है, लेकिन अगर हम हमारी रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरों के ऊपर यूज करते हैं तो भाई उनके रिकवर होने के चांसेस भाई 50-50% हो जाते हैं, क्योंकि रिवर्स कर्स टेक्निक जो है वो अपने यूजर को तो फुली तरीके से हील कर सकती है। अगर वही रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरों के ऊपर यूज करी जाती है तो वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है। और इतना ही नहीं, आगे चल के सुकुना ने ये तक बोल दिया था कि भाई मुझे पक्का पता है कि भाई गोजो को मैंने पूरा मार दिया था और ये लोग तो भाई बस उसकी डेड बॉडी लेके भागे हैं। तो यहाँ पर भाई कोई भी बात सेंस नहीं बनाती कि भाई गोजो का यहाँ पर कमबैक भी हो सकता है। भाई वो बंदा ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम से मारा जा चुका है, तो भाई उसको अभी जीजीके के अंदर वापस लाके भी क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पर गोजो का रिकार्नेशन तो करा सकते हैं, लेकिन गोजो अकेला यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि भाई वो सुकुना को इस वाले स्टेज के अंदर हरा पाएगा। और अभी अभी तो हमको जीजीके के अंदर भाई अपने मेन प्रोटैगनिस्ट यूजी का नया पावर अप देखने को मिल रहा है। उसने एक महीने के अंदर ही रिवर्स कर्स टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तो यहाँ पर कोई भी बात सेंस नहीं बनाती कि भाई अपने जीजीके का ऑथर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को छोड़ के साइड कैरेक्टर के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि अभी जुजुत्सु कैसन के गिने चुने चैप्टर बचा है, उसके अंदर भी भाई अगर मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो भाई ये मांगा तो कभी एंड नहीं होने वाली है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई ऑथर मांगा होती तो मैं यकीन भी कर लेता कि भाई यहाँ पर गोजो अपना वापस आ जाएगा, लेकिन भाई ये जुजुत्सु कैसन है, यहाँ पर अगर कोई भी कैरेक्टर मारा जाता है तो उसके 90% चांसेस ऐसे रहते हैं कि वो वापस नहीं आएगा। और अभी फाइनली हमको युता उसे सुकुना देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर भाई युता और यूजी मिलके सुकुना के साथ लड़ने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर भाई युता अगर सुकुना को हरा नहीं पाता है तो यहाँ पर अपनी यूजी की जिम्मेदारी रहेगी कि वो सुकुना को हराए, और ये तभी पॉसिबल होगा। एक तो भाई अपनी यूजी को तगड़ा पावर अप चाहिए रहेगा, नहीं तो उसको कैसे भी करके सुकुना को मेगोमी के बॉडी से निकाल के अपने बॉडी के अंदर फिर से लेना पड़ेगा, फिर लास्ट में जाके सुकुना के ऊपर फुली तरीके से कंट्रोल करके उसको अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके सुकुना हार सकता है। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई कोई भी आके उसको फाइट के अंदर हरा दे, और ना ही अभी यूजी के पास में इतना टाइम बचा है कि भाई वो टॉक नो जुत्सु करके भाई सुकुना का हृदय परिवर्तन कर दे। तो यहाँ पर भाई सुकुना भले ही मर्जिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर दे, लेकिन लास्ट में जाके यूजी रहेगा जिसको सुकुना को रोकना पड़ेगा। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ गई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।